हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी परसेंट बना सके, जिससे कि वो अपने घर वालों को दिखा सके या रिलेटिव्स को दिखा सके। अगर आपका भी यही सपना है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बेस्ट सीक्रेट टिप्स आपको देने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके, रात दिन किताबों को रट कर हम अच्छी परसेंटेज बना लेंगे या 90 प्लस क्रॉस कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बेटर से बेटर परसेंट बना सकते हैं कम टाइम में, जो कि टॉपर अक्सर फॉलो करते हैं इन टिप्सों को, और अच्छा रिजल्ट उनको 4-5 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करने के बाद भी वो 90 प्लस क्रॉस कर जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से सीक्रेट टिप्स हैं जिनको अक्सर टॉपर फॉलो करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। टिप्स नंबर 1, आपको याद करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आप बुक्स उठाते हैं और रटने बढ़ जाते हैं तो इससे आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं बनने वाली है। आपको अच्छी परसेंटेज बनाना है तो आपको सही प्रकार से याद करना है, तभी आप आंसर शीट में सही से लिख पाओगे। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे APPLE एप्पल, एप्पल यानी सेब। अगर आप याद करोगे आपको सेब के बारे में पता नहीं है सेब क्या होता है, तो आप उसको कुछ टाइम बाद भूल सकते हैं और भूल ही जाओगे। लेकिन जब अगर आपको पता चल जाएगा सेब का मतलब सेपल होता है जिसे हम खाते हैं, यानी कि आपको पूरी डिटेल में पता चल चुका है, तो आप उसको भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और इसी प्रकार से अगर आप किसी भी प्रकार के टॉपिक को याद कर रहे हैं तो उसको समझकर याद करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी टीचर की सहायता ले सकते हैं, यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, तमाम प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करें। जब आप समझकर याद करोगे चीज़ों को, तो आपको अगर परीक्षा में भूल भी जाओगे तब भी आप उसके बारे में लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एप्पल का मतलब सेपल होता है, सेब को हम खाते भी हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। सर्वप्रथम आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कई सारी परीक्षा बुक के माध्यम से मिल सकता है, जैसे कि परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, सैंपल पेपर, या आपको स्कूल कोचिंग में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, या आप प्रीवियस क्वेश्चन में से देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको आपको सर्वप्रथम महत्व देना है। जो भी आपके सब्जेक्ट और सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको लिख कर रिवीजन करना है, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगी, साथ में आपका स्पीड भी बढ़ेगी लिखने की, और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से भी याद हो जाएगा, अच्छे से आपको समझने भी आएगी और अशुद्धियाँ भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी समस्याएँ यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक से ही हल हो रही हैं। ट्रिक्स नंबर 3, जो कि ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको आपकी परीक्षाओं की तैयारी करना है। जैसे कि मान लो किसी पार्ट या इकाई में से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ही देखना है, और आपको सिर्फ जो भी क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से ही ऑब्जेक्टिव बन जाए, लेकिन आपको उनको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उस पार्ट या इकाई में से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और जिस पार्ट या इकाई में से 2 नंबर की क्वेश्चन आए तो उस पार्ट या इकाई में से आपको 2 नंबर की तैयारी करना है, और 4 नंबर के क्वेश्चन आए उसमें से 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी करना है। ट्रिक्स नंबर 4, आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से उत्तर पुस्तिका में लिखोगे नहीं तब तक आपको उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आपको एकदम क्लियर राइटिंग में लिखना है, जिससे कि कोई भी शिक्षक जो आपकी उत्तर पुस्तिका को चेक करे उसको समझ में और पढ़वे आना चाहिए। लेकिन अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखा जाता है परीक्षाओं में, और किस प्रकार से आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो उपलब्ध करा देंगे। ट्रिक्स नंबर 5, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपको वार्षिक पेपरों से पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, साथ में आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा,
आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी अशुद्धियाँ भी दूर होंगी और आपका लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी लेवल कितने लेवल तक आपकी तैयारी है, आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हो। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिसका नाम है studyguru.com। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व अवश्य करें अपने वार्षिक पेपरों के लिए। अगर मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करते समय आपसे गलतियां हो रही हैं, कोई सवाल आप भूल रहे हैं, आपकी राइटिंग सही नहीं आ रही है, आपकी स्पीड कम है, तो उसमें आप समय रहते हुए सुधार कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षाओं में परसेंट कम होने से बच सकते हैं। अगर आप वार्षिक परीक्षाओं में डायरेक्ट पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपके डायरेक्ट नंबर कटने वाले हैं, इसलिए क्यों ना आप पहले ही तैयारी करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस अवश्य लें, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।